तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू बॉडी, दिस इज एमआर। शाम के लगभग बज चुके हैं 7 और अभी इस टाइम हम लोग वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं सागर भाई को, मतलब सागर भाई आए वाराणसी। तो जैसे होटल्स और धर्मशाला के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो पूछते हैं सागर भाई को रूम कैसे मिला वाराणसी में। सागर भाई ये बताइए, सबसे पहले तो आप कहाँ से आए? हम पटना से भी आए हैं। पटना से आए? पटना से वाराणसी हम आए, जैसे शिवरात्रि का टाइम था। अच्छा, टाइम था तो बहुत ज्यादा भीड़ था इधर। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रूम वगैरह वहाँ फुल होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा। एक्चुअली मेरे को कांटेक्ट नहीं है इधर लोकल होटल वालों से, तो मैं वीडियो देखा इधर उधर, तो उनमें से नंबर जो होटल वाले का मिला तो उधर मैंने पता किया, तो सारा होटल बुक था। अच्छा, फिर एक मेरे को मतलब स्क्रॉल करते करते यूट्यूब डाउन करते करते भैया का वीडियो मिला, यूपी वाले ब्लॉग का जो आता है चैनल नाम है यूपी ब्लॉग। हाँ, उसमें मेरे को जो वीडियो मिला तो वहाँ से मैं देखा कि इन्होंने जो बता के रखा है कि बहुत सस्ते दाम, मतलब सस्ते रेट कम प्राइस में ना, कम प्राइस में बहुत अच्छा अच्छा मतलब लोगों को सेटल्ड करवा देते हैं वाराणसी। हाँ, 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 हाँ। और उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो पहली बार वाराणसी आ रहे हैं। हाँ। पहली बार वाराणसी आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, जिसको आइडिया नहीं रहता है कि हम लोग कहाँ पे विजिट करने करेंगे ना। अगर कोई इस अनजान शहर में कोई अपना मिल जाए, इससे अच्छा ये बात। अच्छा 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 अच्छा, आप जब पटना से जब वाराणसी आए, हमसे कांटेक्ट हो गया, तो मैं पटना से ही इनको कॉल किया, नंबर इधर उधर। आपने घर से ही कॉल किया था? हाँ, मैंने घर से ही कॉल किया था आपको, और कॉल किया, बताया कि भैया आपका मैंने वीडियो देखा। अच्छा, ऐसा ऐसा है, आप मैनेज करवा देते हो, ऐसा सुना था मैंने। अच्छा, मुझे क्या बिलीव थोड़ी है, बिलीव नहीं, ये बिलीव नहीं था। अच्छा, मुझे क्या पता, मतलब आज के ही कलयुग में ऐसा इंसान मिलना भाई इम्पॉसिबल है। तो सागर भाई, हमें ये बताइए कि आपने जब वहाँ से कांटेक्ट किया था पटना से, तो आपने पहले से हमारा वीडियो देख रखा था कि उसी दिन आपने मतलब वीडियो देखा, उसी दिन कांटेक्ट? नहीं, एक दो दिन पहले मैंने सर्चिंग कर रहा था कि मतलब पहले से। अच्छा। ऐसे भी किसी को भी प्लान जाना होता है तो कहाँ पे बढ़िया मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, अचानक से प्लान बना वाराणसी का, तो मैं भी देखा कि कैसे मतलब रूम मिलेगा। अच्छा। तो उसी दौरान आपका जो वीडियो मिला उसमें देखा मैंने, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने ठिकाना यहाँ रहने दिलाया है, तो बहुत सारे लोग मैंने कवर किया है। हाँ, कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट किया तो वास्तविक रियलिटी यही है कि ये जो बोल रहे हैं आज तक जो वीडियो इनका बना है वो सही है, मतलब जेन्युइन है ना, जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं ना मैं फ्रॉड दिखा रहा हूँ, वाराणसी में आइए मैं रूम दिला दूंगा, नहीं, तो नहीं, और आए हैं तो मिला नहीं हो, ऐसा नहीं ना सागर भाई। तो एक चीज बताएंगे सागर भाई की, जो सबसे अच्छी बात है वो उनका जो बजट था, बहुत सारे लोग का ना बहुत लो बजट होता है तो हम मैनेज नहीं कर पाते, धर्मशाला हो सस्ता हो होटल हो, लेकिन देखिए जिसकी एक बार वीडियो बन जाती है ना, उसको मतलब वहाँ पे खाली नहीं रहता है सागर भाई, या तो सस्ते का नहीं मतलब खाली रहेगा, या फिर आप समझिए कि मतलब एक बार वीडियो बन गई वो वहाँ पे नहीं खाली रहेगा। लेकिन सागर भाई की तारीफ करेंगे, इनका बजट काफ़ी अच्छा था इसलिए हम लोग खड़े उतर पाए, क्योंकि आपका बजट बहुत बढ़िया था। आप जितने भी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे ना सागर भाई हमसे, मतलब क्योंकि शिवरात्रि का टाइम था और लोग का बजट बहुत कम था, 400-300 में चाहिए, तो हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो सागर भाई ये बताइए, आप होटल में बढ़िया से रहे? हाँ, सब बढ़िया, कोई दिक्कत विक्कत नहीं ना भाई? अच्छा, जो मैंने एड्रेस बताया था कि जिससे आप पूछ रहे थे कि कैंट से मैं आऊंगा कैसे वाराणसी, मतलब इस होटल में डाउट था बहुत पहले से था, और ये इसके लिए मैं इनको भी बार बार ट्राई कर रहा था कि भैया मुझे बता देना आप, तो ये बोले बस आप आओ उसके बाद पहुंचा दूंगा, मेरे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। हाँ, हमने भैया से बोला था कि कांटेक्ट हमसे होना मुश्किल था, जो आपने मुझे ढूंढ लिया, और आपको पहुंचना अब मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं पहुंचा दूंगा। तो मैंने बताया था आपको कैंट से आप डायरेक्ट नई सड़क में चले जाइए। हाँ। तो कौन सा होटल आपने लिया था बताएंगे थोड़ा सा? होटल HM इंटरनेशनल है। कहाँ पे है? नई सड़क पे है। नई सड़क मतलब जो बड़ी वाली मस्जिद है हम लोग की, उसके सामने ही पड़ेगा, 100 कदम वो होटल। मैंने अगर मुझे पर्सनली इधर उधर ढूंढना होता तो ऑन रोड का होटल वैसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि महंगा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने जो बनाया यूट्यूब पे उसका वीडियो बनाया, तो फिर मेरे लिए तो बजट कम था उस होटल का। अच्छा अच्छा, मेरे लिए कम। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब ठीक ठाक था, सस्ते में मिल गया है ना। उसका ना प्राइस दूसरे दिन आते, जैसे शिवरात्रि टाइम नहीं आते तो और कम में मिलता, लेकिन उस टाइम जो है थोड़ा सा मतलब रश चल रहा था। होटल वालों ने भी मेरे को बताया कि अच्छा अपना यूट्यूब वाले जो यूपी ब्लॉग वाले भैया हैं, उनके कारण आपको ना मैं रूम दे पा रहा हूँ। ये उनसे जब हमने कांटेक्ट बनाया तो उन्होंने हमसे बोला कि देखिए एक ही रूम है, अगर आप कॉल किए तो हम आपको दे देंगे, क्योंकि आपका गेस्ट है, आपने पहली बार कॉल किया।
वैसे तो मैं बहुत सारे होटल में ट्राई करता रहता हूँ जैसे किसी को चाहिए सागर भाई तो दिलाने के लिए। तो अच्छा सागर भाई ये बताइए वाराणसी में आपका मतलब सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं ना हुई घूमने में? अच्छा यहाँ पे आपने क्या खाया खाने वाने में? खाने वाने में मतलब लोकल का 3 दिन तो वहाँ बगल में ही खाने वाने का दिक्कत नहीं है, गोधौलिया चौक पे रेस्टोरेंट था वहाँ पे भोजन वगैरह हुआ। अच्छा और शाम में स्नैक्स वगैरह जो खाते भी फुल हो गया। अच्छा सागर भाई बताइए जो मैंने बताया था कि सागर भाई आप यहाँ पे है यहाँ पे आप लेंगे तो जो टेंपल आप लोग का मतलब मस्जिद मंदिर टेंपल कॉरिडोर तो वो उससे ज्यादा दूर तो नहीं था? नहीं था, एकदम नजदीक था। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग वहाँ से पैदल ही वर्क मतलब कर पैदल चले जाते चलते हैं क्योंकि उधर एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड है, उधर गाड़ियां नहीं जाती। तो जहां से आपने बताया था ना तो एक्चुअल में वहां से गली जाती थी। अच्छा। मैंने किन्हीं से पूछ के और वो गली ना डायरेक्ट मेरे को गोधौलिया चौक पे निकाल रही थी। अच्छा अच्छा, वो बेटर था मेरे लिए। गंगा घाट घूमे सागर भाई? गंगा घाट घूम लिए, कॉरिडोर पूजा किए और कहाँ कहाँ गए थे आप? अभी हम जो स्टार्टिंग में था हम लोग गए थे सारनाथ। अच्छा, स्तंभ वगैरह अशोक का स्तंभ वगैरह सारनाथ में घूम लिया? फिर महामंदिर उमराहा गए थे घूमने। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच चुके हैं? बीच चुके, आज घूम लिए। तो आप बड़ा जल्दी मतलब कितने दिन वाराणसी में रहे आप? मतलब हमारा 48 घंटा बीता होगा वाराणसी में। 48 घंटा? तो वैसे सागर भाई आप करते क्या है पटना में? हम अभी पढ़ाई करते। अच्छा अभी पढ़ाई कर रहे, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मेडिकल फील्ड की पढ़ाई। अच्छा 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 अच्छा, ये बस घूमने के लिए आए थे जी, तो अच्छा सागर भाई तो आपको रूम मिल गया, और लोगों से कुछ बोलना चाहते हैं? बस अगर किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो, लगे कि इस अनजान शहर में मेरा कोई ना हो, तो ऐसा मत सोचिएगा, अपने यूपी ब्लॉग वाले भैया सबका थैंक यू भैया। हाँ हाँ, तो वो कैसे हमें ढूंढेगा? जैसे यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारी है। हाँ ये तो है, ये प्रॉब्लम है कि आपको जैसे हम मिल गए और कैसे लोगों को मिलेंगे? मेरे को भी सस्पेंस था कि इनको ढूंढू कैसे, क्योंकि वैसे वैसा वीडियो था एक दो। अच्छा, उसमें मैं देख रहा था कि मतलब कहाँ से निकाले, इनका नंबर कहाँ मिलेगा। अच्छा, ना डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा है ना कहीं मिल रहा है, फिर वैसा कोई नंबर मैं ढूंढने का ट्राई कर रहा था कि 2-4 वीडियो में मेंशन हो। अच्छा, तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन 3 महीने पहले का कोई वीडियो था। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे स्क्रीन पे ही पहला नंबर दिया हुआ था। हाँ हाँ, तो हाँ, मैंने, मेरे को ऐसा लगा कॉमन सेंस से कि ये नंबर होगा नहीं, हो सकता है। अच्छा अच्छा, हो सकता है, मैंने डाउट में आपको कॉल करा था। अच्छा अच्छा, आपको क्लियर नहीं था? नहीं नहीं। अच्छा, मेरे को लगा होटल वाले का नंबर है किसका है, लेकिन उसमें आपका पर्सनली आपका वीडियो है। वो जो वीडियो है भैया ने सिर्फ बनाया है, कोई होटल वाले के यहाँ नहीं गए थे, और उसमें इनका नंबर जो है मेंशन था आगे पे। तो गाइस अगर आप मेरा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढना चाहते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक धर्मशाला है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास, तो वहां पे मैंने अपना नंबर शेयर किया। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वो वाला आप वीडियो देखेंगे और आप बड़ी आसानी से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करें, इंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, मार को विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय शब्बा खुदा हाफिज़। चलते हैं सागर भाई ना, फिर वाराणसी आइए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह।